आजवा स्थित मुद्रानिधि संग्रहालय का लॉर्ड भीखू पारेख ने दौरा किया। आजवा में सन 2009 के वर्ष में वडोदरा के सनत कपूर द्वारा मुद्रानिधि संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था। इस मुद्रानिधि संग्रहालय में देश विदेश की ऐतिहासिक मुद्राओं एवं कई रोचक तथ्यों को संजोया गया है। लॉर्ड भीखू पारेख इस मुद्रानिधि संग्रहालय का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने संग्रहालय में संग्रहित इतिहास की रोचकता पूर्वक जानकारी ली। लॉर्ड भीखू पारेख ने इस म्यूजियम को देखकर खुशी जताते हुए सनत कपूर के प्रयासों की सराहना भी की। एक आदमी का कॉइन से क्या प्यार होता है, सारी जिंदगी वही उनकी जो तमन्ना थी उसके लिए वो जहाँ कहीं गए वहाँ से कॉइन्स लाए, और इस प्रेम से उस मोहब्बत से उन्होंने जो म्यूजियम बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं कपूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे हमारा उत्तरदायित्व अदा करता हूँ कि हमारे हम जैसे लोगों को, मैं इतिहास का शौकीन हूँ, कुछ जानता भी हूँ, मगर यहाँ आके जो हमने सीखा वो कभी नहीं सीखा था। मुद्रानिधि संग्रहालय के स्थापक सनत कपूर ने इस ऐतिहासिक संग्रहालय पर पीएनएम टीम से बात की। इतने कॉइन्स, इतनी विविधता, जितने आकाश में तारे हैं उतनी विविधता भारतीय सिक्कों में है, वो यहाँ आकर देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। इसको इतना अधिक बढ़ाया जा सकता है कि बच्चों को वसुदेव कुटुंबकम का पूरा ज्ञान हो जाए कि हिंदुस्तान पर जिन्होंने आक्रमण किया वे यहाँ आकर हिंदुस्तानी बनकर रह गए। ये अगर किसी को देखना है तो वो सिक्कों को आकर देखे और पहचाने कि कैसे उन्होंने क्रमशः अपने विचारों को परिवर्तित करके और वो हिंदुस्तानी बन गए। कुशाणाज, शकाज, हुणाज, वो सब यहाँ पर हैं। यहाँ पर्शियन राजकुमारों के सिक्के भी इंडो-ससेनियन के नाम से प्रदर्शित हैं। मैं तो चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं।